दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। सुबह से ही -2 -3 में टेम्परेचर है, तो आप देख सकते हैं ग्रीन ऑफ ऑल पीछे शोर मचा रहा है। पता नहीं उसे क्या मसला, शायद सर्दी लग रही हो क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो चलते हैं उसके पास ही और उसका दाने वाला उठा लेते हैं यार, यहाँ पर पड़ा है। ये देखें ऐसा, मगर पानी भी बर्फ बन चुका है बिल्कुल है, तो इसे रख देते हैं यहाँ पर। तो यार इसमें हम कर लाए थे घास वगैरह क्योंकि हमारे पास कोई शॉपर वॉपर नहीं था, तो अब थोड़ी सी निकाल लेते हैं इसके लिए। और देख सकते हो गाइस हमने अच्छी तरीके से इनको कवर किया कि इनको सर्दी ना लगे, और अंदर हमने बल्ब भी लगाया हुआ है जिससे थोड़ी गर्मी है। और अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब थोड़ी फील हो रही है कि हवा नहीं लग रही। और जिस तरह की आपको नजर आ रहा होगा अभी मुंह से हमारे धुआं सा भी नहीं निकल रहा है, तो अंदर का टेम्परेचर सही है बाहर के मुकाबले, बाहर काफ़ी सर्दी है। और अब निकाल लेते हैं रैबिट को और उनका दाना किधर, वो रहा दाना, मैं खोल देता हूँ गुना फूल को। तब तक सर्दियों में गए इन चीज़ों को संभालना, गुना फूल को। ये देख सकते हो गाइस कितने कपड़े हैं, फिर भी अगर इसको सर्दी लग रही है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। दाना भी डाल दिया है और रैबिट भी अपना घास खा रहा है, तो इनका काम सेट हो चुका है। तो यार रैबिट के लिए वो खा इस तरह की कुची, उसमें रैबिट को भी दाना देते हैं ना बाहर, वही जिसमें पानी का और कौन सा तुमको। तो यार अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, तो ये रही वो यार आप बर्फ देखो यार। इसमें डाल देंगे रैबिट को दाना। तो यार अभी चलते हैं रैबिट के लिए सलाद लेके आते हैं। कहाँ रखे थे कि शायद इसका, क्योंकि जब हम ये थे सलाद के पत्ते, क्योंकि जब हम लाए थे तो इन पर बर्फ जमी हुई थी पानी की वजह से। तो अब ठीक हो गई, अब डालते हैं। खोलो यार दरवाज़ा, खोलो ये डालो, इसके रबट उतारो और दे दो रैबिट को। इनके लिए लाइनअप में रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं इसकी गाजर और ये रबट उतार देते हैं। यार इसकी सफाई कब करनी है आपकी? यार करेंगे जल्दी, करेंगे जल्दी नहीं, कल की वीडियो में बस यहाँ के पूरे सेटअप की सफाई करेंगे। सही, कल अब हम यहाँ की करेंगे सफाई। आप लोग देख सकते हो काफ़ी गंद मचा हुआ है, तो कल ये सब कुछ सफा कर देंगे क्योंकि अब ये भी चला गया ना जो यहाँ पर पड़ा था। तो अब प्रॉपर यहाँ से सारा सामान निकाल कर अच्छे तरह से कपड़ा बिछा कर तो फिर हम कर देंगे यहाँ की सफाई। तो यार ये रैबिट यहाँ पर दाना खा रहा है और क्यूना फूड वहाँ पर दाना खा रहा है, तो ये रख लो यार इसको, ये रात को जब सोने लगेंगे तभी से डाल देंगे। यही कर दो वहाँ पर। तो यार रैबिट को मिल चुका है उसका सामान और क्यूना फूड को मिल चुका है उसका सामान। ये वाला कहाँ, थोड़ा क्यूना फूड को भी डालिए बड़ा वाला। ये नहीं खाता, सुबह दिया था। अच्छा क्या ही कर सकते हैं यार, हम तो लेकर आए थे आपके सामने ये पूरा भर कर ले आए थे कि शायद ये खाएंगे मगर नहीं खा रहे। यार ये आ गया पानी, अब दोनों फूल को दे देते हैं पानी। यहाँ पर रखो भाई, यार दोनों फूल को दाना पानी दे दिया। और रैबिट देखो कौन से ज्यादा ये दाना शौक से खाता है, खाता रहे जो भी इसका दिल चाहता है। तो यार अभी हम लोग निकालने लगेंगे गुना फूल के पर। तो सुबह उठ गया था, बहुत मसला हुआ था वहाँ छत पर जाकर बैठ गया था, तो अब इसके पर निकालते हैं। तुम जाओ बाहर, मैं निकालता हूँ इसके पर। तो यार अभी तकरीबन 20 मिनट का काम है, इसे 20 मिनट लगेंगे पर निकालने में, तो निकाल लेता है। और यार मैंने यहाँ जो बल्ब था उसको ऑफ़ कर दिया है, और रात के टाइम देखो इस तरह का कुछ मौसम होता है। हम इनके जो अंदर हमने बल्ब लगाया वहाँ लाइट नहीं बंद करते, और देख सकते हो यहाँ से पता चल रहा है कि अंदर कितनी हीट है, बिकॉज हमने 100 वाट या शायद 200 वाट वाला बल्ब अंदर लगाया हुआ है।
तो यार ये देख सकते हो रात को ये व्यू है यहाँ का, और थोड़ी बहुत लाइट यहाँ से बाहर आती है, और थोड़ा हमने शॉपर को ऊपर वाली साइड से आपको नजर आएगा, देख ऊपर वाली साइड से हमने शॉपर को थोड़ा सा उतारा हुआ है कि ताकि ऑक्सीजन भी वहाँ अंदर जा सके, ज़्यादा हब्स ना हो बल्ब की वजह से, तो कुछ ऐसा सा लगता है रात को। तो यार लगता है हो गया है काम, इतने से कुछ इसको अंदर ही रखो ना, इसको फिर सुबह कुछ करेंगे। तो यार इतने इसने कुछ पर निकाले हैं और तकरीबन ना होने के बराबर है, देख सकते हो बिल्कुल इसके पता ही नहीं चल रहा कि पर कटे हैं या क्या, कि हमने ऐसे तरीके से निकाले हैं थोड़े बहुत। तो यार मैंने सिर्फ वो पर निकाले हैं जहाँ से इसके ये उड़ नहीं पाएगा, दरमियान में पर हैं, ऊपर से नहीं पता चलेगा मगर बस अभी उड़ नहीं पाए यहाँ पर। और ये देख सकते हो गाइस ये 200 वाट का बल्ब है, तो आपको मैंने बाहर से दिखा दिया है कि कैसा सिस्टम, और रैबिट भी हमारा थोड़ी बहुत घास खा रहा है और इसको हमने दाना भी डाल दिया है, बस ये बिना फुल को बंद करो। ये देखो यार इसको पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हाथ पर आकर बैठ गया यार, ये भी अंडे देगा शायद, अंडे की दर से देखो इसे, अगर इसे बस लास्ट टाइम पानी पिलाते हैं और फिर इसे बंद करते हैं, क्योंकि अगर इसे पानी नहीं पिया तो सारी रात प्यासा रह सकता है, शायद इसे प्यास लगी हो, तो इसीलिए हम इसे पिला रहे हैं ताकि पानी पी ले। बस ठीक है इसे बंद करो। ये काफ़ी मोटा कपड़ा है, ये भी हम इसके अंदर बिछा देंगे ताकि रात को इसे ठंड वगैरह ना लगे, क्योंकि सर्दियों में इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। और कपड़ा डालेंगे तो यार पहले डालेंगे ये वाली चादर इस पे रैबिट पे, यार इसका पिंजरा भी हमने लेके आना है जिस दिन टाइम मिला, क्योंकि आप देख सकते हो इसके पिंजरे की बहुत बुरी हालत हुई हुई है, हमने जुगाड़ लगा के रस्सियों से जोड़ा हुआ क्योंकि बाहर आ जाता है, जिस दिन अभी टाइम मिला तो इसका पिंजरा भी लेकर आएंगे। बाकी अब इस पे कपड़े डालते हैं, इसे बंद करते हैं। तो बस यार ये थी आज की मेरी वीडियो, हमने बिना फूल के पर निकाल दिए हैं, अब ये ज़्यादा उड़ नहीं पाएगा, जंपे वगैरह छोटी लगा लेगा मगर ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा। तो बस यार ये थी आज की मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।